नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं अपने चैनल YMW सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ओकिनावा स्कूटर का डीलरशिप लेके आप इलेक्ट्रिक स्कूटर का शोरूम और सर्विस सेंटर कैसे ओपन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल जानकारी दिया है, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, ताकि फ्रेंड्स जो भी जानकारी मैं आपको ओकिनावा स्कूटर के डीलरशिप के बारे में आपको देने वाला हूं उसकी नॉलेज आपको पूरी तरह से मिल सके। और फ्रेंड, चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि फ्रेंड जितने भी मेरे नए नए वीडियो है बिजनेस और फ्रेंचाइजी रिगार्डिंग उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले हम लोग कंपनी के बारे में बात करेंगे। ओकिनावा जो ब्रांड है, ये ओकिनावा ऑटोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है, और ये जो कंपनी है इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है टू व्हीलर इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग में। और फ्रेंड्स, अगर हम लोग इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में बात करें, तो इस कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो अलवर राजस्थान में है। और अगर हम लोग इस कंपनी के हेडक्वार्टर की बात करें, तो फ्रेंड्स इस कंपनी का हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम हरियाणा में है। तो फ्रेंड्स, अभी ओकिनावा जो कंपनी है अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, इसलिए जो कंपनी है अभी अपना डीलरशिप की अपॉर्चुनिटी है आप लोगों को प्रोवाइड करिए। फ्रेंड्स, अगर आपको भी इलेक्ट्रिक बाइक का शोरूम और सर्विस सेंटर ओपन करना है, तो यहां पे आप ओकिनावा का डीलरशिप लेके आप जो है इलेक्ट्रिक बाइक का शोरूम और सर्विस सेंटर ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे देखेंगे कि अगर आपको ओकिनावा स्कूटर का अगर डीलरशिप लेके अगर खुद का शोरूम और सर्विस सेंटर ओपन करना है, तो इसके लिए कंपनी की तरफ से आपके लिए क्या बेसिक क्राइटेरिया रखा गया है। यहाँ पे जो सबसे पहला बेसिक क्राइटेरिया, जो भी एप्लीकेंट यहाँ पे ओकिनावा का डीलरशिप लेना चाहता है, उसका जो एज है मिनिमम 21 साल होना चाहिए, और उसके पास में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए। देन उसके बाद उस एप्लीकेंट के पास में 40 से 50 लाख तक इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। उसके बाद कंपनी यहाँ पे जो है आपसे एक्सपीरियंस भी मांगती है, यानी कि आपका कोई भी ऑटोमोबाइल के सेक्टर में एक्सपीरियंस है कि नहीं है। देन उसके बाद कंपनी ये भी चेक करती है आपके पास में मैनेजमेंट और सुपरविजन की क्वालिटी है कि नहीं, क्योंकि कंपनी यहाँ पे जो है आपका पर्सनल इंटरव्यू भी लेती है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको गोडाउन के लिए 500 स्क्वायर फीट एरिया का आपको रिक्वायरमेंट रहेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको शोरूम और सर्विस सेंटर के लिए यहाँ पे 1500 स्क्वायर फीट का आपके पास में एरिया होना चाहिए। 1000 स्क्वायर फीट जो है आपको शोरूम के लिए लगने वाला है, और जो 500 स्क्वायर फीट है आपको सर्विस सेंटर के लिए लगेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारी लोकेशन के लिए कंपनी 800 स्क्वायर फीट एरिया भी जो है सर्विस सेंटर के लिए रिक्वायरमेंट करती है। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो भी आपके पास में शोरूम का एरिया रहेगा, उसका जो फ्रंट है मिनिमम 20 फीट का होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे कि अगर आपको ओकिनावा का डीलरशिप लेना है, तो इसके लिए जो है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट और लाइसेंस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पे अगर हम लोग डॉक्यूमेंट और लाइसेंस की बात करें, तो यहाँ पे जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन का प्रूफ यहाँ पे कंपनी को देना पड़ेगा। अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो यहाँ पे आपको MOA और AOA आपको कंपनी को सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद अगर आपका यहाँ पे पार्टनरशिप कंपनी है, तो यहाँ पे पार्टनरशिप डीड कंपनी को आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका कंपनी है, तो यहाँ पे आपको अपनी कंपनी के नाम से आपको GST सर्टिफिकेट भी कंपनी को आपको सबमिट करना पड़ता है। अगर आपके पास GST नंबर नहीं है, तो यहाँ पे जो है आप अलग से GST नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपनी यहाँ पे आपसे जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगती है, तो यहाँ पे अगर आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, तभी यहाँ पे कंपनी को आपको देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको EPF और ESIC का रजिस्ट्रेशन भी आपको लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर 11 एम्प्लॉय से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, तभी यहाँ पे आप EPF और ESIC का आप रजिस्ट्रेशन आप ले। उसके बाद यहाँ पे आपको एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस का भी रिक्वायरमेंट रहेगा। उसके बाद आपके पास में जो भी स्पेस एरिया होगा जहाँ पे आप शोरूम और सर्विस सेंटर ओपन करना चाहते हैं, तो उस एरिया का जो है यहाँ पे कंपनी आपसे पेपर भी लेती है। उसके बाद आपके पास में कितना वर्किंग कैपिटल है, यानी कि आप कितना वर्किंग कैपिटल आप लगाएंगे, तो उसके रिगार्डिंग जो है कंपनी यहाँ पे आपसे पेपर लेती है। देन उसके बाद यहाँ पे कंपनी आपसे लास्ट 3 ईयर का IT रिटर्न भी यहाँ पे आपसे मांगती है। उसके बाद जो है आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट रहेगा, जैसे कि एप्लीकेंट का वोटर आईडी कार्ड हुआ, उसके बाद जो है एड्रेस प्रूफ का कॉपी यहाँ पे कंपनी को सबमिट करना पड़ता है, पैन कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ। उसके बाद जिस लोकेशन पे आप अपना शोरूम और सर्विस सेंटर ओपन करना चाहते हैं, वहाँ का जो है लोकेशन मैप। उसके बाद जो भी एप्लीकेंट इस डीलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता है, उसका कंप्लीट प्रोफाइल जो है एक PPT फॉर्मेट में कंपनी आपसे मांगती है। तो फ्रेंड्स, मेनली आपको जो है यही सारे डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी जब आप ओकिनावा का डीलरशिप लेने जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखने वाले हैं कि आपको इस कंपनी का डीलरशिप लेने के लिए आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है, आपको कंपनी को 2 लाख रुपए का रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट आपको जो है डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपने शोरूम और वर्कशॉप का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में यहाँ पे 7 से 10 लाख रुपया आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। देन उसके बाद वर्कशॉप का जो सेटअप रहेगा, उसके लिए 2 लाख रुपये का यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट जो है आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी आपसे जो है 4130 रुपया DMS इनरोलमेंट का फीस यहाँ पे वन टाइम आपसे लेती है। यहाँ पे जो भी डाटा मैनेजमेंट सिस्टम होगा कंपनी का, उसी के लिए रजिस्ट्रेशन फी आपसे लिया जाता है। उसके बाद कंपनी से
आपको जो है इनिशियल 40 नंबर ऑफ ओकिनावा स्कूटर जो है आपको लेने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। देन उसका जो आपका लास्ट इन्वेस्टमेंट है आपको वर्किंग कैपिटल, देन उसके बाद जो है वर्कशॉप फिटमेंट एंड टूल्स के लिए जो है आपको 6 लाख रुपया आपको रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप टोटल इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 45 से 50 लाख रुपया आपको टोटल जो है यहाँ पे लगने वाला है, अगर आप ओकिनावा का डीलरशिप लेके शोरूम और सर्विस सेंटर ओपन करते हैं तो। मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे ओकिनावा जो कंपनी है आपको पर इलेक्ट्रिक स्कूटर के सेल पे आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन आपके साथ शेयर करती है। यहाँ पे अगर हम लोग कमीशन की बात करें तो यहाँ पे ओकिनावा जो कंपनी है आपको पर इलेक्ट्रिक स्कूटर के सेल पे आपको 10-12% का नेट कमीशन आपको प्रोवाइड करती है। उसके बाद आपको सर्विस सेंटर के लिए जो भी यहाँ पे सर्विस पार्ट्स आपको दिए जाएंगे उस पे जो है 25% का नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है MRP पे आपको दिया जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे देख रहे मैंने दिखाया है कि एक डीलर को कहाँ कहाँ से प्रॉफिट हो सकता है। पहला जो प्रॉफिट है बाइक कमीशन से आएगा, यानी कि जो भी आप बाइक सेल करेंगे उस पे कंपनी की तरफ से आपको कमीशन दिया जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे इंस्टेंट डिस्काउंट बाइक कंपनी वेन एवर बाइक ऑर्डर बाइक कैश, यानी कि जब भी आप कंपनी से स्टॉक के लिए आप ऑर्डर करेंगे तो जब आप उसमें कैश पेमेंट पूरा करेंगे तो उस पे भी जो है आपको इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जाता है। उसके बाद ओकिनावा का बहुत सारे एसेसरीज आते हैं, तो आप एसेसरीज सेल करते हैं तो उस पे भी जो है आपको कमीशन दिया जाता है। देन उसके बाद कोई भी कस्टमर आपके शोरूम में ओकिनावा का इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेस करने आता है फाइनेंस के थ्रू, तो वहाँ पे फाइनेंस जो कंपनी है आपको 3-4% का आपको कमीशन प्रोवाइड करती है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी की तरफ से सेल टारगेट भी आपको डीलरशिप पे दिया जाता है, अगर आप सेल टारगेट को अचीव कर लेते हो यहाँ पे कंपनी जो है आपको उस पे भी एक्स्ट्रा बोनस आपको प्रोवाइड करती है। देन उसके बाद आपके शोरूम में जो भी इंश्योरेंस एजेंट होगा, जो भी ओकिनावा इलेक्ट्रिक स्कूटर का इंश्योरेंस करेगा, तो वो आपको इंश्योरेंस कंपनी भी यहाँ पे कमीशन प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देखा कि एक डीलर जो है किस किस सोर्स से जो है अपना इनकम जनरेट करता है। फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे अगर कोई भी कस्टमर फाइनेंस के थ्रू अगर यहाँ पे ओकिनावा का इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहता है तो यहाँ पे ओकिनावा कंपनी की तरफ से कौन कौन से फाइनेंस कंपनी के थ्रू यहाँ पे टाइप किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं कि रिटेल फाइनेंस के लिए यहाँ पे ओकिनावा ने बहुत सारे यहाँ पे रिटेल फाइनेंस कंपनी से टाइप किया, जैसे कि HDFC हुआ, IDFC हुआ, श्रीराम फाइनेंस हुआ, पिन लैब्स हुआ, बजाज फिन हुआ, जेस्ट मनी है, लोन टैप है, विल्स EMI है, L&T फाइनेंस है, उज्जीवन है, मुथु फाइनेंस है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे 3 कंपनी और है जिससे कंपनी का भी जो है अभी डिस्कशन चल रहा है। तो फ्रेंड्स मेनली जो है कंपनी यही सारे फाइनेंस कंपनी से टाइप करके रखिए। अगर कोई भी कस्टमर आपके शोरूम में फाइनेंस करके अगर ओकिनावा का स्कूटर परचेस करने आता है तो फ्रेंड्स आप मेनली जो है यही सारे फाइनेंस कंपनी को आप प्रीफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप ओकिनावा का शोरूम और सर्विस सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आप कंपनी से कैसे इंक्वायरी कर सकते हैं। फ्रेंड्स इंक्वायरी करने के लिए जो है आपको इस पेज पे आना पड़ेगा, मैं इस पेज का लिंक जो है आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीलरशिप इंक्वायरी के लिए यहाँ पे नंबर दिया गया है, तो फ्रेंड्स आप इस नंबर पे डायरेक्टली कॉल करके जो है आप पूरा डीलरशिप का इंक्वायरी ले सकते हैं कि आप ओकिनावा का आप शोरूम और सर्विस सेंटर कैसे ओपन कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं डीलरशिप इंक्वायरी का फॉर्म दिया होता, आप इस पर भी क्लिक करके जो है आप यहाँ पे फॉर्म फिल करके जो है आप अपना रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा पर्सनल ओपिनियन आप लोग से ये है कि अगर आप ओकिनावा इलेक्ट्रिक स्कूटर का सही में डीलरशिप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जो भी नंबर दिया गया है आप इस नंबर पे कॉल करें, और यहाँ पे जब आप कॉल करेंगे तो आप जो भी लोकेशन से बोल रहे हैं तो आपके लोकेशन का जो भी एरिया मैनेजर होगा उस एरिया मैनेजर का कंपनी यहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइड करती है, तो आप उस एरिया मैनेजर से डायरेक्टली बात करके जो है आप पूरा इंक्वायरी जो है अपने एरिया के लिए ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे आपको पूरा जानकारी मिल गया होगा अगर आपको ओकिनावा का शोरूम और सर्विस सेंटर ओपन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स जिन लोगों को नहीं पता है कि वो ओकिनावा का डीलरशिप लेके खुद का शोरूम और सर्विस सेंटर कैसे ओपन कर सके उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।